बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने गृह क्षेत्र झुंडू तक पहुंचे जेपी नड्डा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद अभिनंदन समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित जिले के विधायक मौजूद रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने गृह क्षेत्र झंडुता पहुंचे जेपी नड्डा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद अभिनंदन समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित जिले के विधायक मौजूद रहे। वहीं जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसे और प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों द्वारा विभिन्न विकास कार्यों से पहचान होने और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने देश में मात्र बीजेपी दल द्वारा ही विकास करवाने की बात कहते हुए अन्य राजनीतिक दलों पर वंशवाद, क्षेत्रवाद, समुदायवाद का भी आरोप जड़ा है। वही जनता को संबोधित करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने केंद्र से लेकर प्रदेश तक सभी जगह जगह बीजेपी ही बीजेपी होने की बात कहते हुए 2022 में प्रदेश में पुनः भाजपा सरकार बनने के साथ ही देश में 2024 में भी भाजपा सरकार बनने का दम भरा है। वहीं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी देश प्रदेश में मिशन रिपीट का दावा करते हुए जनता का भरपूर समर्थन मिलने पर जेपी नड्डा को पूरा आश्वासन दिलाया। छोटा सा प्रदेश लेकिन 6 मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश में और उनमें से 4 जो है आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की, चाहे वो चंबा का मेडिकल कॉलेज है, चाहे मंडी का मेडिकल कॉलेज है, चाहे हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज है, चाहे सिरमौर का और नाहन का मेडिकल कॉलेज, फिर भी उसके बावजूद उनको लगा कि कोई कमी रह गई। इस कमी को नहीं छोड़ना चाहिए, पूरा करना चाहिए, बड़ा संस्थान होना चाहिए। और बड़ा संस्थान जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे हिमाचल के लोगों के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करा सके, उसके लिए सबसे बड़ा संस्थान जिसको एम्स बोलते हैं, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बोलते हैं, उसको भी यहां बिलासपुर में जाकर के खोल करके आपके साथ आज वो एम्स का भवन जमीन पर आते जाते दिखता है, जमीन पर दिखता है। और मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में मुझे लगता है कि 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर आपके एम्स की जो है शुरुआत जमीन स्तर पर जो है वहां पर इलाज शुरू हो जाएगा, डॉक्टर बैठना शुरू हो जाएंगे, ओपीडी शुरू हो जाएगा। ऊना में मेडिकल का हमारा जो सेटेलाइट ट्री है और हिमाचल प्रदेश में मेडिकल कॉलेज के लिए बहुत सारे धन उनको जमीन पर खड़ा करने के लिए, ये सब आदरणीय नड्डा जी करते हैं।